हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 3 का सेकंड पार्ट, जो मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व कहलाता है, उससे संबंधित जितना भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग आज सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। यानी फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 3 में न्यूमेरिकल का ये मेरा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग आज यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट यानी चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिज्म से संबंधित सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए यहां पर कुछ कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी भी होगा, ठीक है। आपको हम बोल देंगे कि कौन सवाल एनसीईआरटी का है। सवाल नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। देखिए एक नंबर सवाल क्या बोलता है, 4 एम्पियर मीटर एवं 5 एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता वाले 2 उत्तरी ध्रुव मतलब 2 नॉर्थ पोल वायु में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच लगने वाला बल का मान बताइए। क्या बोला है कि 4 एम्पियर मीटर एवं 5 एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता वाले 2 उत्तरी ध्रुव 2 नॉर्थ पोल वायु में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच लगने वाला बल का मान बताइए। देखिए यानी M1 क्या दिया है, 4 एम्पियर मीटर, M2 क्या दिया है, 5 एम्पियर मीटर। ये M1 M2 द्रव्यमान नहीं है, क्या है ये चुंबक के दोनों ध्रुवों का ध्रुव शक्ति है। ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो कौन बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण, ठीक, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा दोनों ध्रुव। दोनों ध्रुवों के बीच का दूरी कितना है, r 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर 0.1 मीटर, ठीक है। यानी वायु में 2 उत्तरी ध्रुव, तो 2 उत्तरी ध्रुव कहां से आएगा, 2 को चुंबक से आएगा। देख लीजिए ये एक चुंबक है S पोल N पोल, ये एक चुंबक है S पोल N पोल, दोनों N पोल है, दोनों का अपना अपना ध्रुव शक्ति दिया गया है। इसका 4 एम्पियर मीटर, M2 इसका 5 एम्पियर मीटर, ठीक। दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या डिस्टेंस है, 0.1 मीटर। तो बोल रहा है कि दोनों नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव में बल का परिमाण क्या होगा। बल तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, लेकिन परिमाण क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो चुंबकत्व में कूलम्ब का नियम F बराबर क्या होता है, μ0/4πm1m2r2, पता है ना कि चुंबकत्व में कूलम्ब का नियम मतलब किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, μ0/4πm1m2r2। μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁷, ठीक। m1 कितना है, 4, m2 कितना है, 5, और r2 बोला है, तो डिस्टेंस क्या है, 0.1 × 0.1, ये दशमलव दोनों उठ जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा 100, बिल्कुल जाएगा। आगे देखिए 4×5 = 20 × इस 100 को यहां दे दीजिए तो 10⁻⁵ न्यूटन, इसको लिख सकते हैं 2×10⁻⁴ न्यूटन। कौन बल, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्यों, क्योंकि दो समान ध्रुव है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, इसीलिए प्रतिकर्षण बल। यानी नॉर्थ नॉर्थ में प्रतिकर्षण बल, साउथ साउथ में प्रतिकर्षण बल, लेकिन नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है तो आकर्षण बल, ठीक है। चलिए यानी हम लोग का सवाल नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। बोलता है वायु में 2 नॉर्थ पोल, तो 2 नॉर्थ पोल कहां से आएगा, 2 चुंबक से आएगा, क्योंकि एक चुंबक में तो एक नॉर्थ एक साउथ होता है कि नहीं,
तो दो को नॉर्थ कहां से आएगा? दो चुंबक से आएगा। इसका ध्रुव प्रबलता, ध्रुव शक्ति है, ध्रुव सामर्थ्य है 4 एम्पियर मीटर, इसका है 5 एम्पियर मीटर। एम वन एम टू मान ली, ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर है। कितना? 0.1 मीटर। चुंबक तत्व में कूलम का नियम, एफ बराबर बल बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 में। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2, देखिए 2 नंबर न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? किसी धारावाही लूप का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? किसी धारावाही लूप का क्षेत्रफल यानी एरिया दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है? प्रवाहित धारा यानी आई दिया है कितना? 2 एम्पियर। तो बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण मतलब कैपिटल एम का मान क्या होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? आई ए होता है ना, बिल्कुल होता है। देखिए एम बराबर एन आई ए भी होता है, किसके लिए है? यदि धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या तार की संख्या 1 से अधिक है तब एन आई ए लगाएंगे। मतलब फेरों की संख्या 5 है 10 है 20 है 50 है 100 है 200 है 500 है 2000 है तो एम बराबर एन आई ए लगाएंगे। एन क्या है? फेरों की संख्या। यहां पर तो किसी एक धारावाही कुंडली के बारे में बात किया गया है, यानी एक कुंडली है, एक तार है, एक फेरा है, तो ये लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तब लगाइएगा जब फेरों की संख्या 1 से अधिक रहेगा। एक फेरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एम बराबर आई ए, आई कितना है? 2, और कितना है एरिया? 1, तो 2 एका 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। धारा का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर आंसर। बहुत इजी था सवाल, ये सवाल बहुत इजी था। अब देखिए सवाल नंबर 3। एक धारावाही लूप का चुंबक के आघूर्ण 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, इसके तुल्य उस दंड चुंबक की ध्रुव प्रबलता कितनी होगी जिसकी प्रभावी लंबाई 0.2 मीटर है? क्या बोला? एक धारावाही लूप का चुंबक के आघूर्ण 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ठीक, इसके तुल्य उस दंड चुंबक की ध्रुव प्रबलता कितनी होगी जिसकी प्रभावी लंबाई 0.2 मीटर है? देखिए 3 नंबर सवाल, देखिए क्या बोल रहा है। क्या दिया है आपका? चुंबक के आघूर्ण कैपिटल एम दिया है 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक जूल प्रति टेस्ला भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और स्मॉल एम मतलब क्या रे? ध्रुव प्रबलता यानी ध्रुव शक्ति, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर या तो न्यूटन प्रति टेस्ला, ठीक। और कैपिटल एम का नाम क्या है? चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर या तो जूल प्रति टेस्ला होता है, ठीक है। चलिए ये सब याद रखिएगा, ये सब बात याद रखना है आपको। क्या बोला है? उस दंड चुंबक की ध्रुव प्रबलता कितनी होगी, मतलब स्मॉल एम का वैल्यू कितना होगा, जिसकी प्रभावी लंबाई 0.2 मीटर है। 2L कितना है? 0.2 मीटर। किसी चुंबक का प्रभावी लंबाई कितना होता है? 2L होता है, ठीक है। यानी एक चुंबक है, N पोल S पोल लिख दिए, इसका मध्य बिंदु क्या होता है? O। यहां से यहां डिस्टेंस क्या है? L। यहां से यहां क्या है? L। तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 2L। आपको निकालने बोला स्मॉल m, तो कैपिटल M बराबर क्या होता है? स्मॉल m इंटू 2L। चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है? किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव का ध्रुव शक्ति, स्मॉल m इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L के गुणनफल को कैपिटल M चुंबक के आघूर्ण कहते हैं। हमको तो स्मॉल m चाहिए, तो कैपिटल M बाय
2L, कैपिटल M कितना है 20, 2L कितना है 0.2, ये पॉइंट उठा दो, 10 कर दो, काट दो इसको इससे, 5, 20 पंचे 100, नरे 100, क्या एम्पियर मीटर, आंसर देख लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है 100 एम्पियर मीटर हो गया आंसर। यानी दो नंबर तीन नंबर चुटकी का सवाल था, कोई दिक्कत था ही नहीं, एरिया दिया है, धारा दिया है, एम निकालना बोला, तो एम बराबर आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कैपिटल एम दिया है, स्मॉल एम निकालना है, 2L दिया है, तो कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2L, स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम बाय 2L, वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए हम लोग का दो नंबर तीन नंबर सवाल हो गया, अब चलेंगे सवाल नंबर चार में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, तब ना नोट कीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो को रोक रोक के देखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार में काम हो जाएगा। आगे देखिए चार नंबर सवाल, एक चुंबक की लंबाई 0.1 मीटर तथा ध्रुव प्रबलता 0.1 एम्पियर मीटर है, इसके चुंबक के आघूर्ण की गणना कीजिए, इसे 1.8 × 10⁻⁵ टेस्ला के समरूप चुंबक के क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर स्थिर रखने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, क्या बोला है। चार नंबर सवाल बोल रहा है कि एक चुंबक की लंबाई दिया गया है, यानी क्या 2L दिया है 0.1 मीटर, ध्रुव प्रबलता 0.1 एम्पियर मीटर, यानी स्मॉल m कितना है 0.1 एम्पियर मीटर। आपको बोल रहा है कि चुंबक की आघूर्ण कैपिटल M कितना होगा, पहले वही पूछा है, चुंबक के आघूर्ण की गणना कीजिए, तो कैपिटल M कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू 2L, 0.1 इंटू 0.1 मतलब 0.01 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। फिर बोल रहा है इसे 1.8 × 10⁵ टेस्ला के समरूप चुंबक के क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर स्थिर रखने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, मतलब टॉर्क निकलना है, ठीक है। आगे क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र कितना 1.8 × 10⁻⁵ टेस्ला और एंगल दिया है के डिग्री 30 डिग्री, आपको टॉर्क का वैल्यू निकालने बोला है, तो बल आघूर्ण टॉर्क बराबर क्या होता है एम बी साइन थीटा याद रखिएगा, ठीक है जो भी फॉर्मूला है उसको याद रखना है। तो आपको टॉर्क निकालना है, बलाघूर निकालना है, एम है बिल्कुल एम है, बी है बिल्कुल, एंगल है निकल जाएगा आराम से, एम का वैल्यू पुट कीजिए 0.01, ठीक, बी का वैल्यू 1.8 × 10⁵ इंटू साइन के डिग्री, साइन 30 डिग्री। आगे देखिए कैसे बनाएंगे, इसको उठा दीजिए पॉइंट को, इसको उठा दीजिए पॉइंट को, इसके लिए 100, इसके लिए 10, ठीक बिल्कुल ठीक, यानी टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा 18 × 1 × 10⁻⁵ ऊपर में है और नीचे 3 को सुनना, ऊपर जाएगा तो 5 × 3 − 8 इंटू साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, कटेंगे तो कितना होगा 9, यानी 9 × 10⁸ क्या न्यूटन मीटर, जिसको जूल कहते हैं, आंसर ठीक है। चलिए हो गया आंसर, यानी कितना आंसर आया 9 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर मतलब जूल। चार नंबर तक सवाल बन गया, अब चलिए सवाल नंबर पांच में, ठीक है सवाल नंबर पांच में चलते हैं। देखिए सवाल नंबर पांच क्या बोलता है, 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबक के आघूर्ण वाले एक चुंबक को 0.36 × 10⁻⁶ टेस्ला के समरूप चुंबक के क्षेत्र में साम्यावस्था मतलब संतुलन की अवस्था, स्थिर अवस्था से 60 डिग्री विस्थापित करने में किया गया कार्य की गणना कीजिए, क्या बोला है पांच नंबर सवाल,
200 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय घूर्ण, मतलब कैपिटल एम दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वाले एक चुंबक को 0.36 × 10⁻⁶ टेस्ला, यानी क्या दिया है, बी दिया है, 0.36 × 10⁻⁶ टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था से 60 डिग्री, मतलब पहला एंगल थीटा वन कितना है 0, दूसरा एंगल थीटा टू कितना है 60 डिग्री। ठीक, विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, यानी डब्लू निकालना है, डब्लू वर्क निकालना है, वर्क। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एम कितना है 200, बी कितना है देख लीजिए 0.36 × 10⁻⁶ इंटू कॉस थीटा वन, मतलब कॉस 0 माइनस कॉस थीटा टू, यानी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, 0 60 पुट कर दिए। आगे देखिए, इसको उठा दीजिए, कितना आएगा 100, 200 काट दीजिए, 36 × 72 × 10⁻⁶। ठीक है, आगे देखिए, कॉस 0 1 माइनस कॉस 60 1/2। ठीक, तो 72 × 10⁻⁶ इंटू वन में 1/2 गया तो 1/2 बचेगा, फिर काट देंगे कितना हो जाएगा 36, यानी 36 × 10⁻⁶ क्या जूल, कार्य है तो जूल होगा, इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻⁵ जूल आंसर। देख लीजिए सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, बढ़िया से देखिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, यानी 5 नंबर सवाल भी हम लोग का बन गया। चुंबक के आघूर्ण कैपिटल एम दिया है, चुंबक के क्षेत्र कैपिटल बी दिया है, साम्यावस्था से 60 डिग्री बोला था, मतलब संतुलन की अवस्था से 60 डिग्री, 0 डिग्री से 60 डिग्री, वर्क निकलना है। ठीक है, यानी छड़ चुंबक को, चुंबक के द्विध्रुव को विस्थापित करने में कितना काम करना पड़ेगा, 0 डिग्री से 60 डिग्री घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला W इक्वल टू क्या होता है, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, सब वैल्यू को पुट कर दिए, आंसर आ गया। अब चलिए सवाल नंबर कितना में, 6 में, सवाल नंबर 6 में चलिए, 6 नंबर सवाल आपका एनसीईआरटी सवाल है। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल एनसीईआरटी सवाल है, देखिए 6 नंबर सवाल। एक छोटा छड़ चुंबक 0.25 टेस्ला के समरूप चुंबक के क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर स्थित है और 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण अनुभव करता है, इसका चुंबक या आघूर्ण कितना है, मतलब कैपिटल एम निकालना है। 6 नंबर सवाल एनसीईआरटी सवाल है, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है, एक छोटा छड़ चुंबक 0.25 टेस्ला के समरूप चुंबक के क्षेत्र में, यानी कैपिटल बी दिया है 0.25 टेस्ला। आगे देखिए, समरूप चुंबक के क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर स्थित है, एंगल कितना है 30 डिग्री, कितना एंगल है 30 डिग्री का एंगल है। आगे देखिए, और 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण अनुभव करता है, यानी टॉर्क कितना है 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का अनुभव करता है, इसका चुंबक के आघूर्ण कितना है, मतलब कैपिटल एम का वैल्यू आपको निकालना है, कैपिटल एम निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है ना, बिल्कुल होता है, हमको तो कैपिटल एम चाहिए, तो टॉर्क बटे बी साइन थीटा, टॉर्क कितना है 4.5 × 10⁻² देख लीजिए, है ना, बिल्कुल है, बी कितना है 0.25 और साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक, देखिए इस पॉइंट को उठाइए तो उसके लिए 100, इसको उठाइए उसके लिए नीचे 10,
एक सोना सोना कट जाएगा, 5 5 25, 9 5 45, ठीक, 5 2 10, 9 2 कितना 18, 9 2 कितना 18 इंटू 10^-2, और नीचे क्या होगा साइन 30 डिग्री, मतलब 1/2, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 18 2 36 इंटू 10^-2, मतलब 0.36 जूल प्रति टेस्ला आंसर हो गया, ठीक है। बी का मान दिया है, एंगल दिया है, टॉर्क दिया है, कैपिटल एम निकालना है, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, एम बराबर टॉर्क बटे बी साइन थीटा, टॉर्क का वैल्यू लिख दिए, बी का लिख दिए, साइन 30 डिग्री लिख दिए, ठीक। ये पॉइंट उड़ा तो 100, ये पॉइंट उड़ा तो 10, कट गया, सुना सुना हो गया। उसके बाद 5 5 25, 9 5 45, 5 2 10 कट गया, 9 2 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक, 10^-2 बच गया, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, 2 जाएगा ऊपर तो 36 इंटू 10^-2 मतलब 0.36 जूल प्रति टेस्ला आंसर हो गया, ठीक है। यानी 6 नंबर सवाल भी बन गया, एनसीईआरटी सवाल था। अब चलिए सवाल नंबर 7 में, देखिए सवाल नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। 4 × 10^-4 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक को क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री घुमाने में 2 × 10^-5 जूल कार्य किया जाता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब यहां पर भी कैपिटल एम निकालना है, ठीक है। 7 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 4 × 10^-4 टेस्ला के समरूप चुंबक क्षेत्र में, यानी बी का मान दिया है 4 × 10^-4 टेस्ला। आगे देखिए, एक छड़ चुंबक को क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री, कितना एंगल है क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री ना, यानी थीटा 1 कितना है 0 और थीटा 2 कितना है 60 डिग्री, ठीक है, बोल दिया है, देख लीजिए ना। समरूप चुंबक के क्षेत्र में एक छड़ चुंबक को क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री घुमाने में 2 × 10^-5 जूल कार्य किया जाता है, मतलब थीटा 1 है 0, थीटा 2 है 60 डिग्री, कितना कार्य किया जाता है 2 × 10^-5 जूल। तो बोल रहा है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण, मतलब कैपिटल एम का वैल्यू क्या होगा, ठीक। चलिए तो वर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एम बी कॉस थीटा 1 − cos θ2, वर्क दिया है 2 × 10^-5 इक्वल टू एम, तो निकालना है बी दिया है 4 × 10^-4, ठीक, कॉस पहला एंगल 0 दूसरा एंगल 60, ठीक है। आगे देखिए, ये 2 × 4 कट गया, 10^-4 है, 10^-5 है, कट जाएगा और इधर बचेगा 10^-1, ठीक। अब ये 2 को इधर लेंगे तो 1/2 इंटू 10^-1 इक्वल टू एम इंटू कॉस 0 1 और कॉस 60 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 10^-1 मतलब 0.1 इक्वल टू एम इंटू 1 में 1/2 गया तो 1/2 कट जाएगा ये दोनों, यानी एम बराबर क्या बचेगा 0.1 जूल प्रति टेस्ला आंसर। देख लीजिए कहीं दिक्कत है क्या, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। बी दिया है, 2 का एंगल दिया, क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री मतलब पहले 0 है उसके बाद 60 है, कार्य दिया गया है, ठीक है, एंगल के साथ कार्य दिया गया है, आपको एम निकालने बोला है, तो वर्क बराबर एम बी कॉस थीटा 1 − cos θ2, सब वैल्यू को पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया, यानी कैपिटल एम बराबर कितना आंसर आया 0.1 जूल प्रति टेस्ला। अब चलिए सवाल नंबर 8 में, ये सवाल एनसीईआरटी सवाल है, सवाल नंबर 8 एनसीईआरटी है। देखिए
सवाल नंबर आठ देखिए, एन सी ई आर टी, एक छोटे छड़ चुंबक का चुंबक के आघूर्ण 0.48 जूल प्रति टेस्ला है। इसकी अक्ष एवं निरक्ष रेखा पर चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबक के क्षेत्र की गणना कीजिए। क्या बोला है? एक छोटे छड़ चुंबक का चुंबक के आघूर्ण कितना, कैपिटल एम कितना है, 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। और आगे क्या बोला है, इसकी अक्ष एवं निरक्ष पर, यानी दोनों स्थिति पर, अक्ष और निरक्ष दोनों स्थिति पर चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, यानी आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। ठीक, दूरी पर चुंबक के क्षेत्र की गणना कीजिए, यानी एक नंबर आपको निकालना है बी अक्षीय। बोलिए क्या होता है वैल्यू, अक्ष रेखा पर चुंबक क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यू, होता है ना, बिल्कुल होता है। इसका वैल्यू 10^-7, 2m का वैल्यू कितना है 1.25। और आगे देखिए, r के पावर में q है, मतलब ये तीन बार होगा तो 0.001 हो जाएगा, होगा ना, 0.01 इंटू 0.01 कितना होगा, 0.01 होगा, होगा आर एक बार 0.1 गुना करना है तो 0.001 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट को उड़ाइए तो उसके लिए 100, इसको उड़ाइए उसके लिए 1000, 200 ना कट जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक बचा, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी एक से भाग देंगे उतने होगा, यानी इसको गुना करना है इससे, यही ना करना है, सब कुछ ठीक है ना। अच्छा, चुंबक के आघूर्ण तो, चुंबक के आघूर्ण तो 0.48 ना है, ठीक है, 0.48 है एम्पियर मीटर स्क्वायर, या तो फिर जूल प्रति टेस्ला, जो लिखिएगा। ठीक है, यानी ये कितना है 0.48, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज किए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 48 दूनी कितना, 96 इंटू 10^-7 में 10 गया तो कितना बचेगा, 10^-6, इसको लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10^-5 क्या टेस्ला, देख लीजिए सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अक्ष रेखा पर निकल गया, अब आपको निकालना है निरक्ष रेखा पर, बी निरक्ष क्या होता है, फॉर्मूला बी अक्ष बाय टू। ठीक है, तो बी अक्ष कितना है, बी अक्ष देखिए आया है 9.6 इंटू 10^-5 बाय टू, कितना हो जाएगा 9.6 मत का आधा कितना होता है 4.8 इंटू 10^-5 टेस्ला, ये अक्ष रेखा पर, ये निरक्ष रेखा पर आंसर हो गया, ये दोनों क्या है आंसर है। चलो देख लो क्या बोला है, एक छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल प्रति टेस्ला है, यहां पर मिस्टेक हो गया था, देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी अक्ष और निरक्ष रेखा पर चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबक के क्षेत्र की गणना कीजिए। दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी अक्ष कितना होता है, मी नॉट बटे 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यू, इसका वैल्यू 10^-7, 2m का वैल्यू। ठीक, ये पॉइंट उड़ेगा तो 100 और 0.1 तीन बार, मतलब 0.001 हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 1000, 200 कट जाएगा, ये सुनना एगो यहाँ कट जाएगा तो 10^-6 और 48 दूनी 96, लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10^-5 टेस्ला। बी निरक्ष क्या होता है, बी अक्ष का आधा होता है। ठीक है, 9.6 इंटू 10^-5 बाय 2 मतलब 4.8 इंटू 10^-5 टेस्ला आंसर। याद रखिएगा बी अक्ष बाय बी निरक्ष
कितना होता है 2:1 होता है, मतलब 2/1 होता है, जिसको हम लोग 2 बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अक्ष रेखा में चुंबक के क्षेत्र निरक्ष रेखा में चुंबक के क्षेत्र का 2 गुना होता है, अर्थात निरक्ष रेखा में चुंबक क्षेत्र का मान अक्ष का आधा होता है, ठीक है। अक्ष निरक्ष का 2 गुना, तो निरक्ष अक्ष का आधा होगा। सवाल नंबर 8 NCERT सवाल था। अब चलिए सवाल नंबर 9 में और 10 में, 9 और 10 दोनों क्या है, NCERT सवाल है, 9 और 10 दोनों NCERT सवाल है। देखिए क्या बोलता है, 0.32 जूल प्रति टेस्ला के चुंबक के आघूर्ण वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के समरूप चुंबक के क्षेत्र में स्थित है। पहले लिख लीजिए चुंबक के आघूर्ण कैपिटल M क्या है, 0.32 जूल प्रति टेस्ला और 0.15 टेस्ला के समरूप चुंबक के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। यदि यह चुंबक क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में, मतलब किस स्थिति में, यह अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थिति ऊर्जा का मान बताइए। यह सवाल NCERT सवाल है, ठीक है। कैपिटल M दिया है और B दिया है, आपको बोल रहा है कि किस स्थिति में, किस विन्यास में अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा, कौन छड़ चुंबक। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थिति ऊर्जा का मान बताइए। 1 नंबर क्या बोला, अस्थायी संतुलन। तो अस्थायी संतुलन के लिए क्या रूल है, चुंबक की क्षेत्र में छड़ चुंबक के अस्थायी संतुलन के लिए वेक्टर M तथा वेक्टर B एक ही दिशा में होना चाहिए, मतलब चुंबक के आघूर्ण और चुंबक के क्षेत्र एक ही दिशा में होना पड़ेगा अस्थायी संतुलन के लिए, ठीक है। याद रखिएगा कि अस्थायी संतुलन में क्या होगा, चुंबक यानी जब चुंबक का चुंबक के आघूर्ण और चुंबक के क्षेत्र एक ही दिशा में होगा चुंबक के क्षेत्र में, तब वह अस्थायी संतुलन में कहलाएगा। यानी एक ही दिशा में होगा मतलब कितना एंगल होगा, के डिग्री, 0 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो बोला है कि स्थिति ऊर्जा का मान निकलना है, यानी पहला स्थिति में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। अब देखिए दूसरा के लिए, दूसरा में क्या बोला है कि अस्थायी संतुलन में कब होगा, तो चुंबक के क्षेत्र में छड़ चुंबक के अस्थायी संतुलन के लिए चुंबक के आघूर्ण मतलब वेक्टर M तथा चुंबक के क्षेत्र मतलब वेक्टर B परस्पर विपरीत दिशा में होनी चाहिए। विपरीत दिशा में होने के लिए कितना एंगल, 180 डिग्री। क्या समझ में आया, अस्थायी संतुलन मतलब 0 डिग्री, अस्थायी संतुलन मतलब 180 डिग्री। अस्थायी संतुलन मतलब चुंबक के आघूर्ण और चुंबक के क्षेत्र एक ही दिशा में होगा, और अस्थायी संतुलन मतलब दोनों विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो विपरीत दिशा के लिए कितना एंगल, 180 डिग्री। अब क्या कीजिए, एंगल है ये है, बी है, एम है, निकाल लीजिए स्थिति ऊर्जा। अस्थायी संतुलन के लिए 0 और अस्थायी के लिए 180, मतलब अस्थायी के लिए चुंबक के आघूर्ण और चुंबक के क्षेत्र एक ही दिशा में और अस्थायी के लिए विपरीत दिशा में, ठीक। तो स्थिति ऊर्जा निकालना है, U बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस MB cos थीटा, माइनस M कितना है 0.32, B कितना है 0.15, ठीक है, इंटू cos के डिग्री 0 डिग्री, माइनस ये दोनों का गुना कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0.048 इंटू कॉस 0 कितना 1, तो हो जाएगा माइनस 0.048 ऊर्जा है, तो क्या होगा जूल, आंसर, ठीक है। अस्थाई संतुलन में 0 डिग्री पुट कर दिए फॉर्मूला में, तो स्थिति ऊर्जा कितना आ गया, माइनस 0.048 जूल। अब यहां देखिए यहां पर क्या होगा, माइनस MB कॉस 180 डिग्री होगा ना, बिल्कुल होगा। तो माइनस MB का वैल्यू कितना आया, MB का वैल्यू देखिए, M और B
का गुना करके आया है 0.048 इंटू कॉस 180 कितना होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस 0.048 जूल आंसर। ठीक है, एक में आया है माइनस, वैल्यू उतने हैं, वैल्यू उतने हैं, इसमें आया है प्लस। चलिए आंसर निकल गया। अब हम लोग एनसीईआरटी का लास्ट 10 नंबर सवाल बनाएंगे। ठीक है, लास्ट सवाल देखिए 10 नंबर। सवाल नंबर 10 देखिए, एक 1.5 जूल प्रति टेस्ला के चुंबक के आघूर्ण वाला एक छड़ चुंबक 0.22 मतलब 22 टेस्ला के एक समरूप चुंबक क्षेत्र के अनुदिश रखा है। यानी 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है देखिए, 1.5 जूल प्रति टेस्ला का चुंबक के आघूर्ण मतलब कैपिटल एम दिया है, 1.5 जूल प्रति टेस्ला। आगे बोल रहा है एक छड़ चुंबक को 0.22 टेस्ला के एक समरूप चुंबक के क्षेत्र के अनुदिश रखा है, यानी चुंबक के क्षेत्र कितना है 0.22 टेस्ला। चुंबक के क्षेत्र के अनुदिश रखा है मतलब थीटा वन कितना है 0 डिग्री। ठीक, आगे ए नंबर सवाल क्या बोल रहा है सुनिए, चुंबक को चुंबक के क्षेत्र के लंबवत और विपरीत दिशा में घुमाने पर कितना कार्य करना होगा, क्या समझ में आया। ए नंबर सवाल बोल रहा है चुंबक को चुंबक के क्षेत्र के लंबवत और विपरीत दिशा में घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना होगा। यानी ये जो छड़ चुंबक है चुंबक के क्षेत्र के अनुदिश है मतलब उसी के समांतर है, तो पहला एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अब ए नंबर में दो सवाल है, एक सवाल है कि यदि चुंबक को समरूप चुंबक क्षेत्र में 90 डिग्री मतलब लंबवत घुमाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, और विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा। मतलब यहां दो स्थिति है। ठीक है, देखिए यहां पर दो स्थिति है, ए नंबर सवाल का दो कंडीशन, यानी थीटा टू कितना बोल दिया है 90, थीटा टू बोल दिया है 180 लंबवत विपरीत। ये तो पहला एंगल दिया गया है चुंबक क्षेत्र के अनुदिश रखे हैं, किसको, छड़ चुंबक को, ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं। अब कार्य निकालना है, तो एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होगा ना, बिल्कुल होगा। देखिए एम बी कितना है, एम है 1.5, बी है 0.22, कॉस थीटा वन मतलब कॉस 0, कॉस थीटा टू मतलब कॉस 90। ठीक, आगे देखिए ये दोनों का गुना कितना होगा, बोलिए, ये हो जाएगा आपका 0.33 ठीक इंटू कॉस 01 कॉस 90 0, तो 0.33 इंटू 1 मतलब 0.33 क्या जूल कार्य है, तो क्या होगा जूल होगा, आंसर आ गया। ठीक है, यदि उसको चुंबक क्षेत्र के अनुदिश से 90 डिग्री लंबवत घुमाएंगे तो इतना काम करना पड़ेगा, यदि 0 डिग्री से 180 घुमाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा। देखिए डब्ल्यू इक्वल टू एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 180, कोई दिक्कत नहीं, एम बी का गुना करें कितना आया है 0.33 आया है। ठीक है, कॉस 01 और कॉस 180 कितना माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, कॉस 01 और कॉस 180 माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन हो गया, 0.33 इंटू 2 मतलब 0.66 जूल आंसर। ठीक है, यानी 10 नंबर का ए नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। यहां पर कार्य निकालना था, एक लंबवत में एक विपरीत दिशा में चुंबक क्षेत्र में छड़ चुंबक को पहले चुंबक क्षेत्र के अनुदिश रखे हैं, एम दिया है, बी दिया है, पहला एंगल दिया है, दूसरा एंगल एक बार 90 बोल रहा है, एक बार 180 बोल रहा है, मतलब एक बार लंबवत एक बार विपरीत, दोनों के लिए निकाल दिए आंसर। ठीक है, चलिए 10 नंबर का पहला स्थिति मतलब पहला केस सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा केस क्या बोल रहा है, दूसरा केस बोल रहा है
बी नंबर कि लंबवत और विपरीत दिशा में घुमाने पर चुंबक पर कितना बल आघूर लगेगा, यानी 10 नंबर का बी क्या बोल रहा है एक नंबर में, यदि उसको 90 डिग्री से घुमाएंगे और दूसरा विपरीत मतलब 180 डिग्री से घुमाएंगे तो कितना बल आघूर्ण चुंबक पर लगेगा। ठीक है, टॉर्क निकालना है तो एम बी साइन थीटा, टॉर्क निकालना है तो एम बी साइन थीटा होगा ना, बिल्कुल होगा। देखिए यानी एम और बी का वैल्यू तो दिया हुआ है। बी नंबर सवाल बोल रहा है कि छड़ चुंबक को लंबवत और 180 डिग्री मतलब विपरीत घुमाने पर चुंबक पर कितना बल आघूर्ण काम करेगा, कितना बल आघूर्ण लगेगा। टॉर्क निकालना है एम बी साइन थीटा, एम कितना है 1.5, बी कितना है 0.22 और साइन के डिग्री 90 डिग्री, इसका गुना कितना आया था 0.33 इंटू साइन 91 मतलब 0.33 न्यूटन मीटर मतलब जूल बोल सकते हैं, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। अब देखिए घुमाएंगे 180 तो एम बी का गुना कितना आया है 0.33 साइन 180, 0.33 इंटू साइन 180 कितना 0 मतलब 0 आ जाएगा आंसर। यदि लंबवत घुमाएंगे तो 0.33 न्यूटन मीटर और 180 घुमा देंगे तो साइन 180 कितना होता है 0, तो 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर सवाल में दो स्थिति था, ए नंबर में कार्य निकालना था, बी नंबर में बल आघूर्ण निकालना है, टॉर्क निकालना है। ठीक है, चलिए सब एनसीईआरटी सवाल कंप्लीट हो गया, यानी 10 नंबर सवाल क्या है एनसीईआरटी सवाल है, 9 नंबर क्या था एनसीईआरटी था, 8 नंबर क्या था एनसीईआरटी था, और सवाल नंबर 6 एनसीईआरटी था। ठीक है, पूरा बढ़िया से बनाकर कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के मजेदार इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल के वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।